हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अंडे की सब्जी बनाने चल रहे हैं तो कुकर में बनाएंगे। अंडा हम बाल करके छील लिए थे, कुकर में फ्राई कर रहे हैं। कुकर में ही आज हम बनाएंगे एक अलग तरीके से। बस कर, बस ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो हमने लहसुन मिर्चा अदरक पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था, उसमें हम ये मीट मसाला डाल रहे हैं। इसको हम मिला ले रहे हैं। इसमें भी हम एक चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे और मिर्चा पाउडर। ये गरम मसाला है हमारा। मिर्चा पाउडर मिला रहे हैं तो दरबरा कुटा वाला मिर्चा है हमारे पास, वही मिला रहे हैं। ये हम खड़ा मसाला लिए हैं तो हमारा तेज़पत्ता है, लौंग, गोल मिर्च और छोटी इलायची है, ये दालचीनी है, दो सूखा मिर्चा और जीरा, इसको हम पहले डाल रहे हैं इसमें। खड़ा मसाला हमारा हो गया है तो इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हमारा हो गया है तो इसमें हम मसाला डालेंगे, पेस्ट बनाए हैं। मसाला भी हम धीमी आंच में भूज रहे हैं, मसाला हमारा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें अंडा और पानी दोनों डालेंगे। अभी इसको धीमी आंच में बराबर हम चलाते हुए भूज रहे हैं ताकि पकड़े ना। ये मसाला कलर चेंज हो गया, देख लीजिए पक गया है तो इसमें हम टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दे रहे हैं। इसमें हम अंडा डाल रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट तक ढक देते हैं, अच्छे से हमारा पक जाए तो पानी डालते हैं। इसमें हम पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के मिला के हमको नमक डालना है इसमें। हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। हम ढक दे रहे हैं, हो गया। इसको हम सीटी लगा दे रहे हैं। कुकर में हमारा 2 सीटी लग गया था तो इसको हम निकाल लेते हैं। प्लेट में हम निकाल रहे हैं। ये हमारा अंडा करीबन के रेडी हो गया है कुकर में। आप लोग बताइएगा कैसा बना है, और मेरा तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।